हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, काफ़ी दिनों से ये पर्टिकुलर वीडियो हमने कवर नहीं की थी जिसमें हम बहुत सारी कंपनियां एक ही बार में कवर कर लेते हैं, तो आज हम ये कवर करने वाले हैं। जो अभी तक रीसेंट अपडेट है वो सारी मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ ताकि आपको भी किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक पे अगर कोई भी वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड, और भी किसी कंपनी से अगर कोई अपडेट आई है उसके रिलेटेड भी वीडियो हमने बना के अपलोड कर रखी है। तो एक बार आप हमारे चैनल पर गो थ्रू जरूर होना ताकि आपकी जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है लास्ट के एक वीक में आपको देखने को मिली होगी, इवन मैं इस पर्टिकुलर इनके लिए एक पर्टिकुलर वीडियोस भी बनाई थी, जैसे कि विप्रो की ऑनबोर्डिंग, TCS ने ले ऑफ नहीं किया है और विप्रो ने जो सैलरी रिड्यूस किया है, ये इसके ऊपर वीडियो हमने बना रखी, ठीक है। बट इसमें हमने एक कंबाइन बताने वाले आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विप्रो की ऑनबोर्डिंग। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, इससे पहले आई थिंक एक दिन पहले वीडियो बनाई है जिसमें ऑनबोर्डिंग की डेट मार्च 2023 बताई गई है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये जो अपडेट है वो मतलब ये ऑनबोर्डिंग वाली, सबसे पहले हम इनका वो सैलरी देख लेते हैं। तो सैलरी के लिए हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी दिख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो सैलरी कंपनसेशन यहाँ पे 3.5 LPA रखा गया है और यहाँ पे इनिशिएट ऑफ जॉइनिंग मार्च 2023, और यहाँ पर लेकर टू एक्सेप्ट दिस ऑफर 3.5 LPA पर एनम प्लीज़ फिल अप दिस शॉर्ट फॉर्म बाय Feb 2022, यानी कि कुछ दिन पुराना है ये, ठीक है। जिसको भी है मतलब कि अलग अलग डेज को आएगा तो अलग अलग डेट्स मिलने वाली है। मान लो जिसको किसी को 10 फरवरी को आएगा उसको 20 को मिलेगी, क्या पता किसी को 20 को आया उसको 25 फरवरी मिले, ऐसी ऐसी डेट्स आने वाली हैं, ठीक है। और उसके बाद ये दो ये वाली है कि विप्रो ऑफर लेटर प्रेशर लोअर पे एमेंट डिले इन ऑनबोर्डिंग। ऑफर एक तो डिले हुआ ही हुआ है, ऊपर से जो ऑफर लेटर मिला है जो उसमें जो सैलरी पे है वो कम कर दिया गया है। वो एक ऐसा एक नहीं है, ऐसा काफ़ी है। देखो ये एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो एक बहुत सारे हैं आपको देखने को मिलेंगे। ट्विटर पे आप जाके जैसे ना विप्रो #को को करोगे ना आपको बहुत सारे दिखेंगे प्रो द्वारा, ठीक है। अगर आपको नहीं आई, अगर आपने विप्रो में अप्लाई किया तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आ जाएगी, क्योंकि अभी फरवरी में लगभग 3-4 दिन रहते हैं। फिर हम आते हैं TCS की बारे में। TCS ने अगर, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ वगैरह स्प्रेड आउट होगी। तो यहाँ पे हम नीचे अगर करते हैं तो ये जो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे ना सिर्फ TCS हो गई, इंफोसिस हो गई, इन्हीं के रिलेटेड जॉब चल रही है। तो यहाँ पे देखोगे कि IT giant TCS नॉट लुकिंग एट ले ऑफ, लाइकली टू अनाउंस हाइक फॉर एम्प्लॉय सोन। और नीचे करोगे तो बहुत सारी टैक्स वगैरह आपको मिल जाएगा पढ़ने को कि हाँ इतने लोग को हायर करेंगे, इतना मतलब कि वो देंगे, इतने लोगों को वो किया है, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर टाइम्स नाउ में भी है कि नो ले ऑफ फॉर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू फोकस ऑन ग्रूमिंग दी टैलेंट सेस HR चीफ। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें, यहाँ पे भी उसके बाद यहाँ देखोगे आप इंडिया टुडे में भी नो ले ऑफ एट TCS इंस्टेड एम्प्लॉय विल बी गिवन सैलरी हाइक। तो सबसे अच्छी बात ये ना तो ये वो कर रहे हैं, ऊपर से वो कह रहे हैं कि हम सैलरी में हाइक भी देने वाले हैं। और इवन इसमें भी देखोगे TCS हायरिंग एम्प्लॉय लेड बाय द टेक स्टार्टअप्स, अगर जिस अदर कंपनी द्वारा भी किसी ने मतलब ले ऑफ किया है तो TCS उनको भी हायर कर रही है। तो ये सबसे अच्छी बात, इसीलिए काफ़ी प्रेज हो रही है ना TCS कि एक तो हायरिंग भी नहीं, वो फायरिंग भी नहीं कर रहे, ना ही ले ऑफ कर रहे हैं, और ऊपर से हायर भी कर रहे हैं, और जो इनके पास हैं उनको ग्रूम कर रहे हैं और सैलरी हाइक भी दे रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको पता होगा TCS ने ये बोला है कि हम किसी भी प्रकार का ले ऑफ नहीं करेंगे, इवन ले ऑफ करने की बजाय हम सैलरी हाइक देंगे, और जो भी स्टार्टअप्स ने क्या बोलते एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया हम उन्हें भी हायर करने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड है विप्रो ने सैलरी रिड्यूस की है, मतलब कि जो इनका जो पैकेज था टर्बो वाला 6.5 LPA, जो भी रिसेंटली जो ऑफर लेटर रिलीज हुआ है उसमें 3.5 LPA देखने को मिला है। वो कारण क्या है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि ऑनबोर्डिंग डिले हो रही थी, ऊपर से रिसेशन चल रहा था, यही सारे कारण बताए गए। अब फोर्थ आते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस से रिलेटेड बहुत सारे कॉमेंट होते हैं कि इन्फोसिस की ज्वाइनिंग कब होगी, ये वो। तो जैसे आपको पता होगा, अगर आपने हमारे पर्टिकुलरली इन्फोसिस की जो हमने वीडियो बनाई थी लगभग
तीन चार वीक पहले जिसमें लगातार दो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी, तो उसमें हमने ये बताया था जो सबसे रिसेंट वाली ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 2023 की, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाली होनी थी वो होने वाली थी जून 2023, तो उसमें हमने सारा ही कवर कर लिया था। वो वाली पर्टिकुलर वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं विप्रो की हायरिंग, तो विप्रो की अभी दो हायरिंग चल रही है, एक चल रही है डिप्लोमा वालों के लिए, एक चल रही है ग्रेजुएट वालों के लिए, ठीक है। और जो दोनों की लास्ट डेट होनी 28th of February, और इसकी दोनों की वीडियो मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग अपने चैनल पर ड्रॉप कर रखी है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगली है कि किसी भी तरह की हायरिंग नहीं हो रही है इंफोसिस के द्वारा, ना ही आपकी सिस्टम इंजीनियर्स वाली और ना ही हो रही ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वाली, तो उसका कारण आपको पता ही होगा, काफ़ी डिले चल रहा है जिनके ऑफर लेटर वैलिड है, मतलब कि वैलिडेट होने में और उनके ऑन बोर्डिंग आने में, तो इसीलिए किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी छोटी हायरिंग हो चाहे बड़ी से बड़ी, ये सिर्फ ना क्या बोलते हैं लोकेशन वाइज ही हायरिंग चल रही जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होती वही वाली, ठीक है। और अब आपको पता विप्रो हो गया, एसेंचर हो गया, कोग्रीजेंट, यानी कि विप्रो की हायरिंग चल रही बट वो जो पर्टिकुलर होती है ना प्रोजेक्ट इंजीनियर वाली 3.5 LPA वाली नहीं हो रही है, एसेंचर की होती है जो 4.5 LPA ASC वाली वो नहीं हो रही है, कोग्रीजेंट की नहीं हो रही है प्रोग्रामर एनालिस्ट वाली, ठीक है। तो ये सभी हायरिंग नहीं चल रही है, और उसका कारण आपको पता ही होगा कि हायरिंग नहीं आने का रिसेशन है, और जो इनके पर्टिकुलर जो पहले से भी पेंडिंग है वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।